अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इससे ज्यादा मारूंगी। अच्छा मानूंगी मानूंगी बात मानूंगी। ऐसे ही तुझे भूखा मार दूंगी। नहीं दूंगी तुझे खाना। मुझे सच में भूख लगी है। ना दूं तो मैं मर जाऊंगी। लेखा मर। यहीं रोक दें। सफर थोड़ा था लेकिन तुमने बोर नहीं होने दिया। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? अगर मैं आपकी बोरियत का इंतजाम कर दूं तो? वो कैसे? मैं आपको खेलने के लिए एक खिलौना दे दूं। खिलौना? कैसा खिलौना? हाँ, और वो भी छोटा सा खिलौना। मैं समझा नहीं। आप जितनी उम्र के लोग छोटी उम्र की लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं। तुम्हारे पास? मेरी बेटी है, कम उम्र है, खूबसूरत है, तो खुश कर देगी। बस बस क्या? थोड़े से पैसे देकर जब आपका दिल चाहे आप उस खिलौने से खेल सकते हैं। तुम मुझे अपना नंबर दो।
हेलो अहमद, क्या हाल है यार? एक जबरदस्त स्टोरी हाथ लगी है। क्या स्टोरी है? इज्जत बराए फरोख। इज्जत बराए फरोख? मैं समझा नहीं। एक माँ का अपनी बेटी की इज्जत बेचना। इस मुआशरे में ना जाने कितनी माएँ अपनी बच्चियों की इज्जत बेचने पर मजबूर हो जाती हैं। ये कोई ख़ास बात तो नहीं? तुम ठीक कहते हो अहमद, लेकिन कोई माँ इतनी जालिम नहीं हो सकती कि अपनी कमसीन बच्ची की इज्जत नीलाम करे। कमसीन बच्ची? लगा ना शौक? मुझे भी लगा था, मेरी तो रूह तक कांप गई थी यार। तुम मिले हो उस बच्ची से? नहीं, मैंने उस औरत का नंबर ले लिया था। आगे तुम्हारा काम है, मेरे रेफरेंस से उससे मिल लेना। ओके, तुम मुझे नंबर सेंड करो, मैं उस औरत से बात कर लेता हूँ। ओके ओके, टेक केयर। ओके। Yes, sir. Okay. Go ahead. और नसीम के केस पे तुम काम करो। Done. उसकी रिपोर्ट मुझे दो। Okay. ठीक है? और अहमद को भेजो। Thank you, sir. अहमद नहीं आया अभी तक बॉस? ट्रेस करो उसे, कहाँ ही है। Okay. अहमद अभी जेल रोड से होता हुआ ये जमशेद रोड की तरफ आ रहा है। वेबकैम ऑन है इसका? हाँ, यस। कॉल लगाओ इसे। ओके। कहाँ हो अहमद? बॉस, मैं अभी ऑफिस की तरफ आ रहा हूँ। उस बच्ची के केस का क्या हुआ? उस बच्ची से मिले तुम? अभी नहीं बॉस। यार सारे काम छोड़ो, जाके पहले उस बच्ची से मिलो। ओके बॉस। ओके बॉस, ये बच्ची कौन है? अगर तूने कोई गड़बड़ की तो तेरी खाल खींच लूंगी, समझी? जाकर अपना हुलिया ठीक कर। और पता है ना तेरा नाम क्या है? अस्मा। शाबाश, जा जाकर तैयार हो, आता होगा। खिलौना है खिलौना। तारीफ ही करती जाओगी, कुछ दिखाओ तो सही। आसमा, अरे ओ आसमा। जी अम्मी। ये तो बहुत छोटी बच्ची है। तभी तो कह रही हूँ, मेरी बेटी खिलौना है। इस खिलौने से पहले भी कोई खेल चुका है? तुम पहले खुशनसीब हो जिसे ये खिलौना मिलेगा। तंग तो नहीं करेगी? मैंने सब समझा दिया है, तुम फिक्र ही मत करो। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी बेटी इतनी छोटी होगी। इसे देख के मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम भी सेट हो जाओगे। ठीक है, मैं फिर कल आता हूँ। जैसा तुम्हारी मर्जी।
बनाना है खिलौना। तारीफ ही कर दी जाओगी, कुछ दिखाओ तो। देखा बॉस, इतनी छोटी बच्ची की इज्जत बेचना चाहती थी औरत। सर बहुत ही जालिम औरत है, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है सर। आई एम 100% श्योर। किस बारे में बॉस? कुछ तो गड़बड़ है, ये हमारी इस हफ्ते की टॉप स्टोरी होगी। सर आपको ये बच्ची कुछ देखी देखी लग रही है? हाँ, चेहरा कुछ देखा देखा सा तो लग रहा है। एग्जैक्टली सर। सर आपको याद है मैंने आज से कुछ 3 महीने पहले आपको अगवा होने वाली बच्चियों की रिपोर्ट दिखाई। बॉस हमें इस बच्ची को बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, और सर मुझे लगता है कि हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। अहमद तुम एक काम करो, तुम इस औरत को फौरन कॉल करो और बोलो तुम इस बच्ची को खरीदना चाहते हो। ओके बॉस। हेलो। हेलो, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। तुम आए नहीं? मैं बस आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करना थी। हाँ कहो, क्या बात करनी है? मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए इस्लामाबाद ले जाना चाहता हूँ, जहाँ वो घर का काम भी करेगी और जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर हम भी। अच्छा, ख़रीदना चाहते हो? हाँ। पूरे 1,00,000 रुपये लूँगी? मुझे मंजूर है, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, तुम अपनी बेटी को तैयार रखना, मैं उसे साथ लेके जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है ना, ऐसे ही हमें रेड करती है। रिजवान पुलिस कितनी देर में आ रही है? बस थोड़ी देर में आ रही है सर। आ रही है थोड़ी देर में? ठीक है, तुम कैमरे वैमरे रेडी करो। ओके। और तुम लोग जो है वो नज़र रखो इस तरफ, तुमने दुआ उस तरफ ज़्यादा नज़र रखनी है कि वो निकले ना कहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ ही रुको। ओके बॉस। ठीक है। 1,00,000 तो नहीं हुए, बस यही 70,000 रुपये मेरे पास। मगर ये तो कम है। यही अरेंज हुए मुझसे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने समझा तो दिया है ना अपनी बच्ची को? अरे तुम फिक्र ही मत करो, देख लें कहीं वहां जाकर मुझे तंग ना करे। मैंने समझा दिया, वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। बुलाओ तो सही। आसमा, आसमा तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। बेटा, ये औरत मुझे लग रहा है कि निकलने की कोशिश करेगी। बहुत, तुम एक काम करो, तुम गली के कोने पे खड़ी हो जाओ, राइट हैंड साइड पे। ठीक है जी। हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, अगर ये निकलती है तो तुमने इसको पकड़ना है, निकले ना किसी तौर पे। ओके सर। ठीक है, सर डोंट वरी।
आलेकुम जी। सरफ जा रही है, उसको पकड़ो, पकड़ो उसको। उसको इधर ले आओ। वाह, और आप लोग इसको थाने लेके जाओ, ठीक है? हम बच्ची को लेकर आते हैं, लेके जाओ उसको। चलो चलो। आसमा बेटी ये बताओ। मेरा नाम आसमा नहीं है। फिर क्या नाम है आपका? सना। बेटे की जो औरत है ये आपकी अम्मी नहीं है? नहीं अंकल, ये मेरी अम्मी नहीं है। ओह माय गॉड। सो दैट मींस ये औरत इसकी माँ नहीं है और ना ही ये बाप इसका बाप है। ये यकीनन इसको अगवा करके लेकर आया। मेरा नाम अस्मा नहीं, सना है। सच सच बताओ ये बच्ची कौन है तुम्हारी? बेटी है मेरी। ये मेरी माँ नहीं है। सर ये इस औरत की बेटी नहीं है, ये इसको अगवा करके लेकर आई थी, जालिम औरत बेचने जा रही थी। सर झाड़ू पोछा करने के लिए पैसे दिए थे। तुमने बच्ची को इस कदर मारा है कि बच्ची सहम गई है। बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सर को बताओ किस तरह लेकर आई थी ये औरत तुम्हें यहाँ? इसने मुझे 200 रुपए दिए और कहा कि तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। मैंने इसे अगवा नहीं किया, इसने किया था। सर ये झूठ बोल रही है, बच्ची को यही पकड़ के लाई है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों ने बच्ची को बेच दिया, ऊपर से उसका खिलौना बनाकर उसको पेश करते रहे। गलती हो गई, माफ कर दें। गलती तो फिर इस गलती की सजा भी भुगतनी पड़ेगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अपडेट से? मुलजिमा ने अतराफ जुर्म कर लिया है और भी कई वारदातें हैं जो इन्होंने कबूल की हैं। अच्छा, इनके तरीक़े वारदात के बारे में हमें ये पता लगा है कि ये लोग करते ये हैं कि ऐसी जगहों पे घर लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस ना हो, और फिर वहाँ पे अगर कोई बच्चा अकेला खेल रहा हो तो उसको चीज़ का बहाना देके या फिर पैसों का बहाना देकर ये लोग अगवा करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किसी की बच्ची को अगवा करके लेके जा रही हो तुम। सर माफ़ कर दें, गलती हो गई। माफ़ कर दें, अब हमें करना ये पड़ेगा कि जो बच्ची है इसके घर की मालूमात इसी औरत से मिलेगी और इसको हमें अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। और बात सुनो बीबी, सीधे उसी जगह लेके जाना जहाँ से अगवा किया था। याद है ना कहाँ से अगवा किया था? जी। इसको लेके जाते हैं, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। ओके। हेलो राजा, गाड़ी निकालो, फटाफट निकालो। सना आपकी बेटी है? नहीं भांजी है वो मेरी। उसे अगवा कर लिया गया था, मिल गई है वो। कहाँ है वो? थाने में है, महफूज है। यही है सना? जी यही है सना। आप जानती हैं इसे? नहीं। इसी औरत ने आपकी बेटी को अगवा किया था, 1,00,000 रुपए में बेच रही थी उसको। एक बात बताएं, आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी? जी जी बिल्कुल लिखवाई थी। आप बच्ची के माँ बाप को लेके थाने आ जाएं ताकि बाकी ये कार्रवाई मुकम्मल करके बच्ची आपके हवाले कर दी जाए। ठीक है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? ये वही औरत है ना जिसने मेरी बेटी को अगवा किया था। बेगम तुम्हें मैंने कहा भी था इस औरत को दोबारा घर में दाखिल होने नहीं देना। मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। ना जाने तूने कितनों के घर बर्बाद किए होंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू माफी के काबिल नहीं है सर, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भला हो तो उस शख्स का जिसने इसके बारे में हमें बरवक्त इतला दी। अगर ये बच्ची कहीं और बिक जाती तो ना जाने इसके साथ क्या होता। बच्ची को बाजियाब कराने में
आपकी टीम ने और पुलिस ने मिलकर जो काम किया है वो एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। देखें जी, हमारा फ़र्ज़ है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, और जुर्म की पर्दापोशी करना भी एक जुर्म है, और अल्लाह ताला आपकी बच्ची को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। मैडम घर नहीं जाना आज? हाँ यार, बस थोड़ी देर में निकलूंगी, ये एक रिपोर्ट रह गई थी, ये रेडी कर रही हूँ, कल एयर है। लास्ट मिशन की रिपोर्ट? लोग इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं, अपनी ही औलाद का सौदा। भूख मेरे भाई, भूख। ये जो भूख होती है ना, ये किसी भी जुर्म की जड़ होती है। कुछ लोग इस पे काबू पा लेते हैं और कुछ लोग इसका शिकार हो जाते हैं। अफसोस ही कर सकते हैं ऐसे लोगों पे। चलो मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं, बाय। ओके बाय।